के बाद ये खजुराहो का मंदिर सबसे पहले हम लोग शिव जी के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मतंगेश्वर महादेव, और इसके बारे में देख लेते हैं। मतंगेश्वर महादेव मंदिर, इसके बारे में पढ़ के सुना देता हूँ। इस मंदिर में उत्तर भारत की विशालतम शिवलिंगों में से एक स्थापित है। यह खजुराहो के मंदिरों में पूजनीय माना जाता है तथा वर्तमान में यहाँ पूजा की जाती है। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है तथा योजना में ब्रह्मा मंदिर से समानता रखता है। यह मंदिर अंदर से वर्गाकार है तथा बाहर से क्रॉस है के आकार का है। इसका शिखर पिरामिड नुमा है। यह मंदिर अलंकरणहीन है, जो खजुराहो के विकसित मंदिरों में अपना अलग ही स्थान रखता है। अतः निश्चित रूप से यह मंदिर खजुराहो में प्राचीन मंदिरों में से एक है तथा इसका निर्माण 900 से 925 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। तो हम अब ले चलते हैं मतंगेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। इसके पीछे पीपल की पुराना वृक्ष है। मंदिर के शिलापट पे बाहर खजुराहो की दूसरे मंदिर हैं, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। चलो, जय शिव जी। यहाँ गणेश जी की प्रतिमा, सीढ़ियाँ। पहले आपको बाहर का अनावरण इसका दिखा देते हैं। बड़ी बड़ी शिलाओं से बना हुआ है यह मंदिर, देख लेते हैं। यहाँ जो अंदर है बहुत सारी मूर्तियां हैं, इसके बारे में देखते हैं अंदर कैसे जाने को मिलेगा। इसके लिए भी रास्ता है, देखेंगे। मंदिर के पास में ये देखिए नंदी जी हैं,
शिवलिंग भी है। यहाँ पे एक भगवान की मूर्ति है। इस मंदिर में अभी भी पूजा होती है। और यहीं पास में जो दूसरे मंदिर हैं जिसमें अलग अलग तस्वीरें हैं वो पास के मंदिरों में हैं। जो ये है इसको भी हम अभी कुछ समय में शूट करेंगे, बताएंगे आपको इसके बारे में। ये मतंगेश्वर महाराज का, भगवान शिव का मंदिर। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ आने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फी नहीं है। अब जब ये सब जहाँ पे कैमरा किया हूँ इस मंदिर में देखने के लिए, इसको कुछ चार्जेज हैं 40 रुपए के। अब चलते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। भगवान शिव जी, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। शिव जी की विशाल प्रतिमा।